हेलो गाइस, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं और मैं यहां पे बात कर रहा हूं आपके सामने थ्योरी ऑफ मशीन की, जो आपकी डिस्क्रिप्टिव मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में जो सीरीज़ है वो चल रही है। वो अभी तक मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया है इस सीरीज़ का, जिसके अंदर आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं और व्हाट इज़ द काइनेमेटिक लिंक, वो क्या होता है वो भी आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो वीडियो मेरी ऑल अराउंड 8 to 15 मिनट्स के बीच में रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी क्योंकि उसके बाद आप लोगों को भी इंटरेस्ट नहीं रहता और ज़्यादा नहीं देखते हो। तो इसलिए क्या है कि 8 to 15 मिनट की वीडियो रहेगी, जिसके अंदर दो तीन टॉपिक मैं बीच में कवर करता जाऊंगा, जिससे कि क्या है आप भी उसको देख सकते हैं कभी भी। और मैं जो आपका हेडिंग होगी वीडियो की, उसको मैं उसमें मेंशन कर दूंगा कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ लिंक। अगर मैं बात करूँ कि टाइप्स ऑफ लिंक्स क्या होती है, इन ऑर्डर टू द ट्रांसमिट मोशन द ड्राइवर एंड फॉलोअर मे बी कनेक्टेड बाय द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ लिंक। मतलब कि जब भी अपन किसी ड्राइवर से पावर ट्रांसमिट करते हैं ड्रिविन के अंदर, तो वो जो कनेक्टेड बाय द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ लिंक होते हैं, वो कौन से 3 टाइप्स ऑफ लिंक है? नंबर रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक, फ्लूइड लिंक। तो रिजिड लिंक की बात तो मैंने अभी बता दी कि जिसके अंदर आपका डिफॉर्मेशन नहीं हो। तो देख लीजिए, अ लिंक इज वन विच डज नॉट अंडरगोज एनी डिफॉर्मेशन वाइल ट्रांसमिटिंग मोशन। मतलब कि जब भी आपका मोशन ट्रांसमिट हो रहा हो वन लिंक से दूसरे लिंक के अंदर, तो उसके बीच में जो आपका डिफॉर्मेशन हो वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। नॉट इक्वल टू जीरो नहीं, मतलब जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए डिफॉर्मेशन। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग रिजिड लिंक डू नॉट एग्जिट। मतलब कि ऐसी कोई लिंक एग्जिट नहीं होती, क्योंकि हर एक किसी के अंदर थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन तो होता है। तो आप हाउएवर एज द डिफॉर्मेशन ऑफ अ कनेक्टिंग रॉड क्रैंक एक्सेट्रा ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन डू नॉट अप्रिशिएबल, दे कैन बी कंसिडर एज अ रिजिड लिंक। क्योंकि इनके अंदर क्या बहुत स्लो डिफॉर्मेशन होता है, जैसे मैंने बताया अभी आपको, ऊपर आप देखते हैं रेजिस्टेंट बॉडी, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्लो डिफॉर्मेशन होता है, तो इसको एक तरीके से रिजिड लिंक कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट इज अ फ्लेक्सिबल लिंक। अ फ्लेक्सिबल लिंक इन वन विच द पार्ट डिफॉर्म इन अ मैनर नॉट अफेक्ट द ट्रांसमिशन ऑफ द मोशन। मतलब कि जो आपकी फ्लेक्सिबल लिंक होती है वो पार्शियली डिफॉर्म्ड होती हैं। कैसे? पार्शियली डिफॉर्म्ड इन अ मैनर Not to affect the transmission of motion। मतलब कि वो motion को transmit होने में उन पर कोई भी effect नहीं पड़ेगा, पर वो कहीं ना कहीं partially deform हो रही होगी उस motion को transmit करते हुए। For example, belt हो गई, rope हो गई, chain हो गई, wire हो गई, flexible link and transmit tensile force only। मतलब इनके through अपन सिर्फ tensile force ही लगा सकते हैं। जैसे आपने बेल्ट देखी होगी, बेल्ट ड्राइव अपन अभी आगे पढ़ेंगे, रोप हो गई। आप देखेंगे अगर इसमें अगर आप compressive load लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी। मतलब कि क्या हो जाएगी? डिफॉर्म, मतलब फ्लेक्सिबल फॉर्म में आ जाएगी। पर जब मैं टेंसाइल फोर्स लगाऊंगा किसी पानी की बाल्टी को खींचने के लिए किसी कुएं से, या फिर साइकिल का पैडल चला के मैं किसी व्हील को घुमाने की कोशिश करूंगा, तो जो आपके टेंसाइल फोर्स को ट्रांसमिट करने के ही काम में आएगी। नेक्स्ट इज अ फ्लूइड लिंक। अ फ्लूइड लिंक, फ्लूइड लिंक इन वन विच इज फॉर्म्ड बाई हैविंग अ फ्लूइड इज अ रिसेप्ट द मोशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू द फ्लूइड बाई प्रेशर और कंप्रेशन ओनली। मतलब कि जो फ्लूइड लिंक्स होती हैं उसके अंदर जो आपका मोशन है वो आपका ट्रांसमिट होता है थ्रू द प्रेशर और कंप्रेशन ओनली। जैसे आपने JCB मशीन देखी होगी, हाइड्रोलिक के थ्रू अपन क्या करते हैं उसके प्लंजर्स को चलाते हैं और उसके थ्रू आपका मोशन ट्रांसमिट होता है। तो एज इन दिस केस इज द हाइड्रोलिक प्रेस, जैक एंड ब्रेक्स, तो ये अपन यूज करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अ स्ट्रक्चर। तो आप सभी को पता है कि स्ट्रक्चर, आप लोगों ने मैकेनिक्स पढ़ी होगी, मैकेनिक्स के अंदर आपने ट्रस पढ़ा होगा, तो उसको एक तरीके से स्ट्रक्चर ही काउंट करते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? जीरो होती है। सो यहाँ देख लेते हैं क्या होता है कि इज एन द असेंबल्ड ऑफ अ नंबर ऑफ द रेजिस्टेंट बॉडी नोन एज द मेंबर। मतलब कि आपके एक ऐसा मैं असेंबल्ड करके बनाऊँ, मतलब असेंबल्ड का मतलब असेंबल्ड का एक नाम है जिसको मैं असेंबल करके बताऊं, हैविंग द नो रिलेटिव मोशन। मतलब कि उसके अंदर कोई भी मोशन नहीं हो, बिटवीन देम एंड मीन फॉर द कैरिंग लोड हैविंग द स्ट्रेट एक्शन। मतलब कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स को मैं बनाऊं, उन लिंकों को मिला के, जिसके अंदर कोई भी मोशन नहीं हो, लाइक अ रेलवे ब्रिज, अ रूफ, ट्रस, मशीन फ्रेम एक्सेट्रा आर दी एग्जाम्पल ऑफ दी स्ट्रक्चर। मतलब ये एग्जाम्पल्स हैं आपके स्ट्रक्चर के, जिसके थ्रू अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसके अंदर आपका मोशन नहीं हो रहा, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम शुड बी जीरो। अब यहाँ पे बात करके डिफरेंस बिटवीन अ मशीन एंड स्ट्रक्चर के, मशीन और स्ट्रक्चर के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो समझ लीजिए, द फॉलोइंग डिफरेंसेज बिटवीन द मशीन एंड स्ट्रक्चर आर इम्पोर्टेंट फॉर द सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। नंबर वन, द पार्ट ऑफ मशीन मूव रिलेटिव टू वन अदर। मतलब कि जो मशीन्स के पार्ट होते हैं वो एक दूसरे के रिलेटिवली मोशन करते हैं, मूव करते हैं, घूमते हैं।
वेयर एज द मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर डू नॉट मूव रिलेटिव टू एन अदर, मतलब कि जो स्ट्रक्चर के पार्ट्स होंगे, जो मेंबर होंगे, उनके बीच में मोशन नहीं होगा, मोशन नहीं होगा, मोशन नहीं होगा, मतलब मोशन इज इक्वल टू द जीरो, तो वो आपका स्ट्रक्चर कहलाएगी। अगर मोशन हो रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगी, रिलेटिव मोशन हो रहा है तो, लाइक द मशीन। अ मशीन ट्रांसफॉर्म द अवेलेबल एनर्जी इनटू द सम यूजफुल वर्क, जैसे कि फर्स्ट डेफिनेशन ही अपने देखी थी कि मशीन आपकी किसी भी अवेलेबल एनर्जी को किसी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर देती है। वेयर एज इन अ स्ट्रक्चर नो एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू द यूजफुल वर्क, मतलब कोई सी भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं होती। नंबर थ्री, द लिंक ऑफ अ मशीन में ट्रांसमिट बोथ पावर एंड मोशन, मतलब कि जो लिंक ऑफ द मशीन होती है में ट्रांसमिट द बोथ पावर एंड मोशन, मतलब कि क्या करती है, पावर और मोशन दोनों ट्रांसमिट करती है। वाइल द मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर ट्रांसमिट द फोर्स ओनली, जैसे आपने ट्रस के अंदर फोर्सेस निकाले होंगे ग्राफिकल मेथड से या पॉइंट मेथड से अगर आप बात करेंगे, तो वहाँ पे आपने जब भी किया होगा उस चीज़ के अंदर सिर्फ आपने फोर्स को देखा होगा किस फोर्स पे, किस मेंबर पे कितना फोर्स आ रहा है। कहीं कभी कभी तो आपके उन मेंबर्स पे फोर्स नहीं, तो वो रिडंडेंट मेंबर हो जाते थे, आपने आइडेंटिफाई किया होगा। आगे चलते हैं, लाइक द काइनेमेटिक पेयर। तो काइनेमेटिक पेयर मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि जब भी दो लिंक्स होती हैं, एलिमेंट होते हैं और उनके बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है, तो वो काइनेमेटिक पेयर कहलाते हैं। तो देख लेते हैं, द लिंक और एलिमेंट ऑफ अ मशीन व्हेन इन कॉन्टैक्ट, जब भी कॉन्टैक्ट में आते हैं विद ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ, आर सेट टू बी फॉर्म अ पेयर, मतलब तो एक पेयर बनता है। इफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन दैम इज कम्प्लीटली और सक्सेसफुली, कम्प्लीटली और सक्सेसफुली मैं भी आपको नीचे समझाऊंगा, कंस्ट्रेंट दैट इज द डेफिनेट डायरेक्शन, मतलब कि अगर मैं मोशन जिस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ और उसी डायरेक्शन में मेरा मोशन मिल रहा है, तो उसको अपन काइनेमेटिक पेयर बोलेंगे। इनडायरेक्ट आप ये भी सोच सकते हो कि अगर मैंने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और उसी डायरेक्शन में मुझे मोशन मिला, तो उसको एक तरीके से अपन कंस्ट्रेंट मोशन भी बोलते हैं, या फिर यह पूरी ओवरऑल जो भी आपकी एक मशीन का पार्ट होगा उसके अंदर एक मोशन हो रहा हो सिर्फ और सिर्फ उसी डायरेक्शन, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी वन हो, तो वो उसका कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन कहलाता है। तो अपन यहाँ पे आ जाते हैं, देख लीजिए क्या होता है कि टाइप्स ऑफ द कंस्ट्रेंट मोशन, टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन, थ्री टाइप के मोशंस होते हैं जो कि कंस्ट्रेंट होते हैं, जैसे कंप्लीटली कंस्ट्रेंट होता है, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट होता है, और इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन होता है। तो ये तीन आपके मोशन होते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि व्हेन द मोशन बिटवीन अ पेयर, मतलब कि व्हेन मोशन बिटवीन अ पेयर इज लिमिटेड टू अ डेफिनेट डायरेक्शन इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, मतलब कि जब भी मोशन होता है बिटवीन अ पेयर लिमिटेड टू अ डेफिनेट डायरेक्शन, मतलब कि मैं उसको लिमिट कर दूं एक डेफिनेट डायरेक्शन में, देन द मोशन इज सेट टू बी कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए प्लीज, सबसे पहले कि यहाँ पे मेरे पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक दे रखा है, अगर आप देखेंगे इसको ध्यान से, दिस इज द रेक्टेंगुलर ब्लॉक, और इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर कैविटी है जो कि आपको दिख रही है। इस रेक्टेंगुलर कैविटी के अंदर से एक शाफ्ट जा रही है, तो जो कि रेक्टेंगुलर शाफ्ट है, आप अगर देखेंगे यहाँ पर, दिस इज द रेक्टेंगुलर शाफ्ट। तो अगर आप नोटिस करेंगे इस शाफ्ट का जो मोशन होगा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर है, तो यहाँ पे सिर्फ ये स्लाइडिंग करेगी, क्या करेगी, स्लाइडिंग ही करेगी। तो अगर आप देखेंगे इसका जो डेफिनेट मोशन है वो एक ही डायरेक्शन में, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई वन। बट मैं दूसरा केस देखता हूँ, तो दूसरे केस के अंदर क्या है, मेरे पास एक ब्लॉक है, तो आपने ब्लॉक देखा, इस ब्लॉक के अंदर क्या सर्कुलर होल है, तो इस सर्कुलर होल के अंदर मेरी एक सर्कुलर शाफ्ट जा रही है। बट अगर मैं देखता कि अगर मैं इन कॉलर्स को नहीं लगाता, तो ये शाफ्ट मेरी एक स्लाइडिंग मोशन भी कर सकती थी और अपनी उन पोजिशन पर घूम भी सकती थी, तो यहाँ पर मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम टू हो जाती, तो ये मेरा कम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन नहीं होता। बट नाउ इन दिस केस मैंने यहाँ पे कॉलर लगा दिए बोथ साइड, तो मैंने यहाँ पे जो कॉलर लगाए, तो कॉलर की वजह से क्या हुआ कि इसका जो स्लाइडिंग मोशन था वो हो गया रेस्ट्रिक्ट, क्या हो गया, रेस्ट्रिक्ट हो गया। तो इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ ये क्या कर सकता है, अपनी ओन पोजीशन पे टर्न कर सकता है, लाइक द टर्निंग पेयर की तरह ये क्या कर सकता है, टर्न कर सकता है। तो अब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी इसकी वन, तो ये एक कम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में चेंज हो गया। तो आप आगे देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल द पिस्टन एंड सिलेंडर इन अ स्टीम इंजन फॉर्म अ पेयर एंड द मोशन ऑफ द पिस्टन इज द लिमिटेड to be a definite direction, मतलब that is it will be only the reciprocate, मतलब कि जो piston cylinder का जो motion होता है वो सिर्फ एक ही direction में होता है, like the reciprocating करता है, relative to the cylinder irrespective of the direction of the motion of the crank, clear? आगे, the motion of the square bar in a square hole as shown in figure 5.1.2 and the motion of the shaft is with collar at the each end in the circular hole as shown in figure
आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द कंप्लीटली कंसिडर्ड मोशन. क्लियर. अब अगर मैं दूसरे मोशन देखूंगा, जैसे अगर मैं बात करूं इनकम्प्लीटली कंसिडर्ड मोशन की, तो उसके अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो उसके अंदर जो आपकी मोशंस होंगे वो मोर देन वन होंगे. मतलब क्या होंगे, मोर देन वन, यानी कि टू हो सकते हैं, थ्री हो सकते हैं. तो अपन देखते हैं यहाँ पे इनकम्प्लीटली कंसिडर्ड मोशन. तो आप ध्यान से देखिएगा कि when the motion between the pair can take place in more than one direction, मतलब कि degree of freedom 2 हो जाए उनकी, direction of 2 हो जाए, the motion is called incompletely constrained motion. The change in the direction of impressed forces may alter the direction of the relative motion between the pair. तो अगर आप यहाँ पर notice करोगे कि इस जगह पर अगर मैं ध्यान से देखूँ, तो यहाँ पर जो shaft है मेरी वो आपकी स्लाइड भी करेगी और रोटेट भी करेगी. तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ से आएगी, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ से आएगी, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, दो. तो इसलिए बन गया इनकम्प्लीटली कंसिडर्ड मोशन. तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि अ सर्कुलर बार इन अ सर्कुलर होल एज शो इन फिगर इज एन द एग्जाम्पल ऑफ द इनकम्प्लीटली कंसिडर्ड मोशन एज इट मे आइदर रोटेट और स्लाइड इन अ होल. दीज बोथ मोशन हैव नो रिलेशनशिप विथ द अदर. तो इन दोनों मोशन का कोई रिलेशन नहीं है एक दूसरे से, और इसलिए इनकम्प्लीटली कंसिडर्ड मोशन है. अब बात करते हैं सक्सेसफुली कंसिडर्ड मोशन की. तो सक्सेसफुली कंसिडर्ड मोशन की जब मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे क्या होता है, कम्प्लीटली और सक्सेसफुली कंसिडर्ड मोशन के अंदर ये होता है कि जब भी मेरे दो मोशन हो रहे होते हैं और उसको मैं किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू वन मोशन में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो वह सक्सेसफुली कंसिडर्ड मोशन बन जाता है. तो यहाँ आप देखेंगे, व्हेन द मोशन बिटवीन द एलिमेंट लाइक द फॉर्मिंग अ पेयर इज सच दैट कंसिडर्ड मोशन इज नॉट कम्प्लीटली by itself, मतलब खुद से वो completely नहीं होता है, but by the some other means, then the motion is said to be successfully considered motion. तो but by the some other means, like the applied the force, like the applied the direction, then the motion is said to be the considered motion. Consider a shaft in a foot strap bearing as shown in figure 5.5. यहाँ दिख रहा है आपको. The shaft may be rotate in the bearing or it may be move upward direction. तो ये क्या कर सकती है, अपनी own position पर घूम भी सकती है और ऊपर नीचे भी हो सकती है. तो this case is of the incompletely constrained motion. But if the load is placed on the shaft to prevent the axial upward movement of the shaft, then the motion of the pair is said to be successfully constrained motion. कि अगर मैं इसके ऊपर load लगा दूँ जिसकी वजह से एक्सियल अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द शाफ्ट है वो प्रिवेंट हो जाए, मतलब चेंज हो जाए, रुक जाए, तो उसकी वजह से वो क्या बन जाएगी, आपकी सक्सेसफुली कंसिडर्ड मोशन बन जाएगी. द मोशन ऑफ द आईसी इंजन वॉल्व दीज आर द कैप्ट ऑन देयर द शीट बाय द स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग की वजह से वो घूम नहीं पाता, सीधे ऊपर नीचे करता है. द पिस्टन रेसिपिटिंग इनसाइड द इंजन सिलेंडर आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द सक्सेसफुली कंसिडर्ड मोशन. तो आई थिंक सो आप लोगों को समझ में आ गया हो जो भी मैंने आपको टॉपिक बताए, कि अगर आप नोटिस करेंगे टाइप ऑफ लिंक क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन अ मशीन एंड स्ट्रक्चर क्या होता है, काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, और टाइप ऑफ कंसिडर्ड मोशन क्या होते हैं, तो आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि दिस इज़ अ बेसिक. और इसके ऊपर बहुत सारे एसएससी जेई के अंदर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं. अगर आप किसी भी एग्जाम की बात करेंगे, गेट के अंदर भी 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं कंसिडर्ड मोशन इनके ऊपर, कि इसमें से कौन सा सक्सेसफुली कंसिडर्ड मोशन का एग्जाम्पल है. तो आपके लिए बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी होंगी फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो आई थिंक सो आपको वीडियो समझ में आई होगी. तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. थैंक यू.